हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कर्मचारी संघ को भी काफी उम्मीदें हैं। संघ ने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कर्मचारियों को 3% दिए देने के निर्देश दिए हैं, उसी तरह बोर्ड कर्मचारियों की मांगों को भी पूरा करेंगे। इस बारे में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बलवीर चंदेल ने कहा कि जब जब भाजपा की सरकार सत्ता में आती रही है, तब तब हिमाचल के कर्मचारियों के हितों की रक्षा हुई है और कर्मचारियों को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने प्रदेश के यंग मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिया है और वह बोर्ड के कर्मचारियों की हर मांग को पूरा करेंगे। चंदेल ने कहा कि पूरे प्रदेश में लगभग 80,000 कर्मचारी हैं जिन्हें पेंशन नहीं मिलती है। उन्होंने कहा कि 2003 से पुराने पेंशन स्कीम बंद कर दी गई थी, उसे दोबारा शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री से बहाली की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों को मेडिकल रिवर्समेंट 2012 से नहीं मिल रही है, उसे दोबारा शुरू करवाने के लिए भी मुख्यमंत्री से मांग की जाएगी। जो कर्मचारी 2010 के बाद 6 साल के अनुबंध पर आए थे और बाद में उस अनुबंध को 3 साल कर दिया है। चंदेल ने कहा कि बोर्ड में कर्मचारियों और पदाधिकारियों के जो पद खाली पड़े हैं, उन्हें भी भरने के लिए सीएम से गुहार लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बोर्ड के सह सचिव और अवर सचिव के पदों को पदोन्नत करने का मामला भी मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया जाएगा। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि ओपन स्कूल प्राइवेट स्कूल में निरीक्षण के लिए निरीक्षण दल का गठन किया जाएगा और यह दल इस बात का निरीक्षण करेगा कि स्कूल बोर्ड द्वारा पब्लिश किताबें स्कूल पढ़ा रहे हैं या किसी अन्य पब्लिशर की किताबें बच्चों को पढ़ा रहे हैं। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि 2 तारीख को वह शिमला जाकर मुख्यमंत्री को बधाई देंगे और उन्हें शीतकालीन सत्र के दौरान धर्मशाला परिषद में आने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धर्मशाला आने पर मुख्यमंत्री का संघ जोरदार स्वागत करेगा। संघ के सदस्यों ने उन्हें बधाई दी। हमारा सबसे पहले मुख्य मकसद था हिमाचल सरकार में जो हमारी नई सरकार बनी है, स्वागत और दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं और हिमाचल की जनता का भी स्वागत, जिन्होंने एक युवा मुख्यमंत्री जो नए आए हमारे पास श्री जयराम ठाकुर जी, उनसे काफ़ी हमें उम्मीदें हैं और हमें विश्वास है कि वो कर्मचारियों के हितों में ही कार्य करेंगे। आपकी कोई मांग जो उनके समक्ष आप रखेंगे? हमारी विशेष मांग रहेगी उनसे कि जो हमारी पुरानी पेंशन स्कीम है उसको तुरंत जल्दी से जल्दी बहाल करें और जो अनुबंध पे हमारे 2 साल भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो में भी आया है कि हम 2 साल कॉन्ट्रैक्ट बेस के 2 साल जल्दी से उनको रेगुलर करेंगे, तो हमारा आग्रह रहेगा कि उसके लिए भी वो जल्दी से जल्दी कोई फैसला लें कैबिनेट में और जितने भी हमारे नए कर्मचारी अनुबंध पे आए उनको जल्दी से जल्द तुरंत उनको उनका हक और उनको रेगुलर किया जाए। पूरी सरकार का जोरदार तरीके से बोर्ड कर्मचारी संघ कर्मचारी और अधिकारीगण बोर्ड कार्यालय में उनका स्वागत करेंगे, मंत्रिमंडल का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, और उसके बाद बाकी का जो हमारा एक डिमांड चार्टर होगा वो भी हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उनके सर्किट हाउस में जाके उनको संघ जाएगा वहां देगा। ये हमारा मेन मकसद रहेगा इस सत्र में।